प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सीकर के तत्वाधान में जन जागृति एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी विषय पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रताप इंस्टीट्यूट के सहायक प्रोफेसर एवं ट्रेनर सागर सोनी ने बताया कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्यामपुरा, पिपराली, खंडेला, पलसाना, कांवट, अभयपुरा, रामपुरा, थोई, बावरी, गोविंदपुरा, बाजौर, रेवासा, दूल्हेपुरा आदि गाँवों की सरकारी गैर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। सागर सोनी ने विद्यार्थियों का अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि आत्मविश्वास को मजबूत रखें और बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें। सोनी ने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि व्यवसाय में डिजिटल शिक्षा से रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बढ़ेगी। हमें अपने मौजूदा कार्यबल को फिर से प्रशिक्षित करने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। लोगों को भी जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहने के लिए सक्रिय नजरिया अपनाना होगा। इस दौरान प्रोफेसर सागर सोनी ने कई जिज्ञासु विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। प्रताप इंस्टीट्यूट के चेयरमैन देवेंद्र सिंह शेखावत, डायरेक्टर जितेंद्र सिंह सिंहासन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ रोजगार के मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इस मिशन के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को जीवन को संवारने का मौका मिलेगा। प्राथमिकता के तौर पर युवाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग विभाग बनाकर कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। विद्यार्थी ईमानदार और मेहनत से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर इस प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार से जुड़कर देश के विकास में एक नई इबारत लिखेंगे। इसके लिए समाजसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों को आगे आना होगा। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ट्रेनर सागर सोनी की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अर्जुनलाल पटेल का अहम योगदान रहा। इस मौके पर विद्यार्थियों के अभिभावकों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।